सब्जी वाले वहाँ घुटे नहीं है ना चावल? नहीं, हमारे ये घुटे हुए कोई नहीं खाते है, नहीं सूखे हुए बिल्कुल नहीं पसंद है। अरे बहुत स्वादिष्ट है, चिकन धर रखे है ना चलाने के लिए। हम लोग भी लाएंगे बिरयानी मांगते वाले। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अनिकेत गीता ब्लॉग में। दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। दोस्तों आज हम लोग के घर में ना खिचड़ी बनेगा, इसके लिए ना हम मटर छील लिए हैं और ये गीता जी गोभी काट लिए हैं और थोड़ा सा उसमें आलू भी डालेंगे और ये सब डाल करके और खिचड़ी बनाया जाएगा। हम लोग खिचड़ी खाएंगे, आज सैटरडे है तो मैं आपके लिए खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। आप सब देखिए कैसे बनता है। ये मैंने कढ़ाई चढ़ाई, इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिए हैं, प्याज डाल दिए हैं, आलू डाल दिए हैं, हरी मिर्च डाल दिए हैं और ये मैं गोभी और मटर डाल दिए हैं। ये सब मिक्स करके और ये इधर हमारा चावल और दाल मिक्स करके धो दिए हैं इसको। ठीक है दोस्तों, और मैं बनाऊंगी नेक्स्ट सब्जी वाली खिचड़ी। आलू गोभी मटर, आलू गोभी मटर दाल चावल टमाटर ये सब डाल के मैं खिचड़ी बनाऊंगी। देखिए कैसे बनते हैं, यानी मिक्स वेज वाली खिचड़ी है। ठीक है लो। नमक टेस्ट के अनुसार नमक डाल दीजिए अपना। ये दो टमाटर डाल देंगे। ये तो बिल्कुल सब्जी है जैसा हो गया जी। सब्जी तो क्या कैसे हो जाएगा, सब्जी अलग चीज हो गया। सब्जी में चावल नहीं डलता है, दाल नहीं डलता है। ये रहा सब कुछ, थोड़ा हल्दी डाल देंगे। इसमें हम डाल देंगे ये चावल, इसको थोड़ा फ्राई करेंगे, थोड़ा भूनेंगे, ज़्यादा नहीं, ताकि चावल इस कढ़ाई के अंदर पानी ना दिखे, इतना हम भूनेंगे। इसे अच्छे से खिचड़ी में डाल दीजिए। हाँ इसका पानी हम सुखाएंगे बिल्कुल, जब तक भूनेंगे, जब तक तब तक भूनेंगे जब तक इसके अंदर का पानी जो है सूख ना जाए। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, इतना दोस्तों कितना बढ़िया कलर लग रहा है देखने में। और कोई भी चीज़ जितनी अच्छी लगती है देखने में उतने ही खाने में स्वाद भी आती है। अभी आप देखते जाइए, बस सिंपल सी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ बना कर करके। उसके बाद बना के देखिएगा, खा के देखिएगा, फिर हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थोड़ा धनिया पत्ता डाल दिए हैं पानी में। एक गिलास चावल बना रही हूँ जिसमें हम चार गिलास पानी डाल रहे हैं और ये तेज़ पत्ता डाल दूँगी इस पानी में भी। सब्जी में डालते हैं हम, सब्जी में डालते हैं डायरेक्ट पानी डाल देते हैं और एक लौंग डाल देंगे, वो भी इसको थोड़ा कूट के डालेंगे, मतलब कि हम पीस के नहीं डालते या साबुत नहीं डालते, कूट के ही डालते हैं। और इस चावल को ना हम इसमें डाल देंगे,
चावल देखिए ये भुना गया है, देखिए कुछ ऑयल दिख रहा है, मतलब इसमें सक नहीं रहा, देखिए आप कहीं किसी तरह से सक नहीं रहा, देखिए देखिए इसमें तेल दिख रहा होगा आपको। ये हो गया हमारा खिचड़ी, और इस चीज़ को हम इसमें डाल देंगे कुकर में, इस चीज़ को हम कुकर में डाल देंगे ऊपर। हाँ इसको हम इसमें डाल देंगे, और ज़्यादा सीटी मत लगाइएगा, मात्र एक सीटी ही लगाइएगा। फिर देखिए इसमें हम ये देखिए हमारा चावल, इसको एक सीटी तक आने देंगे, इसमें हम लगभग सब कुछ डाल चुके हैं, तो इसको हम ढक्कन लगा देंगे और एक सीटी का इंतजार करेंगे। और कुछ ये देखिए दोस्तों, खिचड़ी के साथ चोखा अलग ही लगता है दोस्तों, खिचड़ी के साथ चोखा, चोखा बना रही हूँ। इसमें हमने धनिया पत्ता, हरी मिर्च, आलू, नमक भून भानने के लिए खीर खिचड़ी बनाए है, खिचड़ी अच्छा चोखा, आलू के चोखा, चोखा भरता कहते हम लोग, तुम लोग क्या कहती हो? आलू का भरता। हाँ तुम लोग भरता ही खा रहे, भरता हो गया तैयार, तो आलू के परांठे बना के खा लिए। अच्छा रात बनाए थे, दो इन्होंने खाए, तीन मैंने खाए, दो राधिका ने खाए। ये देखिए दोस्तों खिचड़ी कैसा लगा, खिचड़ी ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आलू मटर गाजर, गाजर नहीं डाली है ना, अब तुम बताओ क्या घुटा रहे सब कुछ। आलू मटर गोभी टमाटर प्याज, अरे चिकन रखे है ना जलाने के लिए, हम लोग भी लाएंगे, लाएंगे मांगे जूस वाले से।